जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बेटा, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए संज्ञा का वीडियो दोबारा से बना रही हूँ। बेटा, इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, इसको आप अच्छे से देख लेना। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था, पशु, पक्षी, इन सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। बेटा, आज हम इसका पुस्तक में से अभ्यास करेंगे, वो इस प्रकार से। बेटा, ये संज्ञा 5 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला, हिमालय, रामायण, भारत, गंगा, मदर टेरेसा, ये सब क्या हैं? विशेष व्यक्ति हैं, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि हैं। फिर है बेटा जातिवाचक संज्ञा, किसको कहते हैं? जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गांव, देश, नेता, पक्षी, फूल, बच्चे, मकान, ये सब क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आश्चर्य, क्रोध, बुढ़ापा, प्यार, हंसी, अपमान, दुख, खुशी आदि, ये सब किसके प्रतीक हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब बेटा हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास 3.1। इस अनुच्छेद में हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटेंगे। सरोजनी नायडू की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात थी। उन दिनों देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। सरोजनी नायडू ने देश भर में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए आपस में मिलजुल कर रहना आवश्यक है। आपस में लड़ने झगड़ने से विदेशियों को भारत से नहीं भगाया जा सकता। अब इसमें व्यक्तिवाचक क्या क्या है? सरोजनी नायडू, कांग्रेस, भारत। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? महिला, संस्था, देश विदेशियों, हिंदू मुस्लिम। फिर भाववाचक संज्ञा, योग्यता, देश सेवा, स्वतंत्रता, सम्मान, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर है बेटा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, टोली, गड्डी, ढेर, गट्ठर, मंडली, जुलूस, सेना आदि। अभ्यास 3.2। नीचे दिए गए वाक्यों में से समूहवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए। पहला है, हॉकी के खेल में 2 दल होते हैं, दल क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। भारतीय सेना आगे बढ़ी, सेना। फिर है बेटा, शेर ने हिरणों का झुंड देखा, झुंड। फिर घर है, छात्रों ने जुलूस निकाला, जुलूस। नेताजी सभा में भाषण देंगे, सभा। लड़कों की टोली रंग डाल रही है, टोली। इस प्रकार कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा। नीचे दी गई वस्तुओं और उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले समूहवाची शब्दों का उचित जोड़ा छांट कर लिखिए। पहला है, अनाज का ढेर, अंगूरों का गुच्छा, गुच्छा पे लगाएंगे निशान, चोरों का गिरोह, जहाजों का बेड़ा, नोटों की गड्डी। फिर है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीनी, लोहा, तांबा, सोना, पानी, मिट्टी, दूध, चाय, पेट्रोल, ये सब उदाहरण जो है या तो कोई धातु है या कोई द्रव्य है या पदार्थ ही, किसके उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा के। अभ्यास 3.3, नीचे दिए गए वाक्यों में से द्रव्यवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। पहला है, इस दुकान पर चांदी की मूर्तियां मिलती हैं, चांदी। आज माँ ने चने की दाल बनाई है, चने की दाल। आजकल चावल का क्या भाव चल रहा है, चावल। दादी ने देसी घी का हलवा बनाया है, देसी घी। आज पानी ठंडा नहीं है, पानी। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपी संज्ञाओं के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। पंडित जी ने महाभारत की कथा सुनाई, महाभारत कौन सी संज्ञा हुई बेटा, व्यक्तिवाचक। फिर है, कृष्ण सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है, मित्रता कौन सा हो गया, भाववाचक। माली बगीचे में पानी दे रहा है, माली कौन सी संज्ञा हुई, जातिवाचक। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना कौन सा है, द्रव्यवाचक। मेले में बहुत भीड़ होती है, भीड़ समूहवाचक। अधिक शोर बहरापन पैदा करता है, भाववाचक। फ्रैंकलिन अमेरिका के वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलिन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ताश की गड्डी कहाँ रखी है, गड्डी समूहवाचक। अब ये बेटा कुछ भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। बच्चा बचपन, बाल बालपन, लड़का लड़कपन, पागल पागलपन, मानव मानवता, पशु पशुता, मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, स्त्री स्त्रीत्व, नारी नारित्व, देव देवत्व, प्रभु प्रभुत्व, ये जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। अब ये है सर्वनाम, अपना अपनापन, पराया परायापन, निज निजत्व, मम ममता या ममत्व। फिर ये इधर है बेटा विशेषण और ये भाववाचक। सुंदर सुंदरता, उदार उदारता, कुशल कुशलता, सफल सफलता, स्वस्थ स्वास्थ्य, खट्टा खटास, प्यासा प्यास, मीठा मिठास, बुरा बुराई, ठंडा ठंडक, सफेद सफेदी, हरा हरियाली, अच्छा अच्छाई, भला भलाई, गरम गर्मी। अब ये क्रिया है और ये भाववाचक संज्ञा। लिखना लिखाई, पढ़ना पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई, लड़ना लड़ाई, काटना कटाई। बेटा जब हम मिलेंगे ये खेल खेल में हम इनको करना सीखेंगे। बुनना बुनाई, पीसना पिसाई, कातना कताई, सिलना सिलाई, काढ़ना कढ़ाई, थकना थकावट, मिलाना मिलावट, घबराना घबराहट, चलना चाल, खेलना खेल। अब है बेटा अभ्यास 3.3, दिए गए शब्दों में से उचित भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। पहला है, नालियों की सफाई करना जरूरी है, सफाई पे निशान लगाएंगे। प्रतिदिन पढ़ाई करो, बेटा ये चार दिए हुए हैं इसमें से सही हमें यहाँ भरना है। किसी से लड़ाई मत करो, चुटकुला सुनकर उसे हंसी आ गई। फिर है बेटा, आम में मिठास है, आज बहुत थकान हो रही है, ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है, ताजमहल की सुंदरता, गरीबों की भलाई करो। इस प्रकार हमें इनमें भाववाचक संज्ञा शब्दों को लिखना है।
फिर है बेटा भाववाचक संज्ञा शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। अब ये तीन है, पहला है बूढ़ा, बूढ़ी, बुढ़ापा, तो इसमें क्या आएगी भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा। मीठा, मिठास, मिठाई, मिठास पे निशान लगाएंगे, मिठास पे। लड़का, लड़कापन, लड़कपन, लड़कपन पे निशान लगाएंगे। सिलाई, सिलना, सिलाना, सिलाई पे निशान लगाएंगे। फिर है बेटा लिखना, लेख, लिखाई, लिखाई पे निशान लगाएंगे। ये कौन सी संज्ञा कर रहे हैं हम, भाववाचक संज्ञा। साहस, साहसी, साहसपन, साहसपन पर निशान लगाएंगे। भला, भला, भोला, भोलापन, भोलापन पे निशान लगाएंगे। पशु, पशुता, पशुपन, पशुता पे निशान लगाएंगे। वीरता, वीर, वीरान, वीरता पे निशान लगाएंगे। बच्चा, बच्चे, बचपन, बचपन पे निशान लगाएंगे। घबराना, घबराई, घबराहट, घबराहट पे निशान लगाएंगे। मित्र, मित्रता, मित्रताई, मित्रता पे लगाएंगे निशान। पराया, पराई, परायापन, परायापन पे निशान लगाएंगे। आप, अपनापन, आपा, अपनापन पे निशान लगाएंगे। दुख, दुखी, दुखद, दुखद पे निशान लगाएंगे। इस प्रकार बेटा आपको ये सारा अभ्यास कार्य पुस्तक में ही करना है, और इसको आप अच्छे से पढ़ के देखना, ये सारा अच्छे से आपको सारी संज्ञा समझ में आ जाएगी। बेटा आज हमने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक बार संज्ञा फिर से करवाई है, संज्ञा हम पहले भी कर चुके हैं। बेटा इसका कार्य आपको पुस्तक में ही करना है और इसको अच्छे से पढ़ के देखना है। बेटा आज की सीख है हमें गंदी आदतें छोड़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। भारत माता की जय।